नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लब। दोस्तों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट मूवी रिव्यू में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं Amazon Prime पर रिलीज हुई फिल्म गुलाबों सिताबों का। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, गुलाबों सिताबों को डायरेक्ट किया है सुजीत सरकार ने और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, विजय राज, विजेंद्र काला, सृष्टि श्रीवास्तव और फारूक जफर। दोस्तों, बात करेंगे इस फिल्म के बारे में और जानेंगे कि ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है गुलाबों सिताबों के कठपुतली वाले खेल से और लखनऊ की एक 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हवेली फातिमा महल से। इस हवेली के मालिक हैं मिर्जा और बेगम। मिर्जा की उम्र 78 साल है और मिर्जा की बेगम की उम्र 95 साल है। इनके अलावा इस हवेली में कुछ किराएदार भी रहते हैं और इन्हीं किराएदारों में से एक है बांके और बांके का परिवार। दोस्तों, फिल्म में ड्रामा शुरू होता है जब मिर्जा बांके से किराया न देने की वजह से हवेली खाली करके हवेली से जाने के लिए कहते हैं और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि मामला पहले पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है और उसके बाद ये मामला वकील क्रिस्टोफर के साथ कोर्ट कचहरी से होता हुआ ज्ञानेश आर्कियोलॉजी तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है और कहानी में एंट्री होती है एक बिल्डर और पॉलिटिशियन की जो मिर्जा और बांके की इस लड़ाई के बीच हवेली को हथियाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह गुलाबों सिताबों फिल्म की कहानी एक अनार और 100 बीमार वाले मुहावरे जैसी दिखने लगती है। इसके बाद हवेली रूपी अनार किसको मिलता है, बांके और मिर्जा की इस लड़ाई से बांके और मिर्जा का क्या फायदा और नुकसान होता है और फायदे, लालच और छीना छपटी के इस खेल में कौन बनता है गेम चेंजर, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी लिखी है विकी डोनर जैसी फिल्मों की बेस्ट स्टोरी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और पीकू जैसी फिल्मों के स्क्रीन प्ले के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीतने वाली जूही चतुर्वेदी ने। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प है और जिस तरह इस फिल्म में कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश किया गया है, इसके अलावा जिस तरह जूही चतुर्वेदी ने डायलॉग्स में मुहावरों का इस्तेमाल करके ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। तो दोस्तों, फिल्म की कास्ट और कहानी के बारे में बात हो गई और आइए अब बात कर लेते हैं एक्टिंग और म्यूजिक के बारे में। दोस्तों, एक्टिंग की अगर बात की जाए तो आयुष्मान खुराना ने बखूबी अपने किरदार बाके को निभाया है और आयुष्मान के अलावा विजय राज, जिन्होंने इस फिल्म में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले ज्ञानेश का किरदार निभाया है, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि डायलॉग्स बोलने से लेकर पेड़ से उतरने और हाथ में कप पकड़ने तक में जिस तरह की एक्शन डिटेलिंग विजय राज की एक्टिंग में देखने के लिए मिलती है वो वास्तव में लाजवाब है। और अमिताभ बच्चन, अब जिस एक्टर के सामने राजेश खन्ना से लेकर और शाहरुख और गोविंदा तक कई बड़े बड़े एक्टर्स की चमक फीकी पड़ी हो, उनका तो कहना ही क्या। फिल्म देखिए, आपको मिर्जा साहब जरूर पसंद आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म के तीन गाने क्या लेके आयोजक में, मदारी का बंदर और दो दिन का मेला जिस तरह लाइफ और फिलॉसफी को हमारे सामने रखता है, वो आपको फिल्म के साथ साथ जिंदगी का सार भी समझा देंगे। दोस्तों, कुल मिला जुलाकर 15 भाषाओं और 200 देशों में रिलीज हुई इस फिल्म के अगर स्क्रीन प्ले और क्लाइमैक्स को छोड़ दिया जाए तो अपने हल्के फुल्के लेकिन अलग अंदाज में आम लोगों की आम जिंदगी को खास तरह से समेटने की कोशिश करती है फिल्म। अपने लखनवी अंदाज और अपने कैरेक्टर्स के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप देश में हुई जेसीबी की खुदाई वाले मीम ट्रेंड से वाकिफ हैं तो आपको इस फिल्म में जेसीबी की खुदाई भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे पॉडकास्ट मूवी रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। इसके अलावा दोस्तों, दीपा मेहता की एलिमेंट ट्रायोलॉजी का रिव्यू भी हमने किया है, आपको हमारे वो वीडियो भी जरूर देखने चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक और मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।